तो बोल द लेजेंड ऑफ मॉल जेट की सक्सेस के बाद फाइनली 25 नवंबर 2022 को टीच बटन मूवी को रिलीज किया जा रहा है, जो कि रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर फिल्म है जिसमें फरहान सईद, सोनिया हुसैन, ईमान अली और फिरोज़ खान ने अहम किरदार अदा किया है। तो दोस्तों, क्या आप भी डाई हार्ट फैन हैं फिरोज़ खान के और कर रहे थे इस फिल्म का वेट? तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कासिम अली मुरीद ने और ये बहुत ही मच अवेटेड मूवी है पाकिस्तान की, जैसा कि द लेजेंड ऑफ मौला जट थी। क्योंकि दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2019 में स्टार्ट हुई थी और इस फिल्म को ईद उल फितर 2020 के मौके पर रिलीज़ किया जाना था, लेकिन ये मूवी रिलीज़ ना हो सकी और फिरोज़ खान ने इस फिल्म में कोई प्रमोशन नहीं की है, जो कि दोस्तों इस मूवी का नेगेटिव पॉइंट है। और दोस्तों, उम्मीद है कि ये मूवी इस वजह से अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थोड़ी सी कमी ला सकती है। आपको बता दें कि ये मूवी देसी मूवी होने जा रही है और जो कि पंजाब के रूरल एरिया में शूट की गई है। तो दोस्तों, इस मूवी का मज़े की बात यह है कि इस मूवी का क्लैश होने जा रहा है जर्रार के साथ, जो कि शान शाहिद की मच अवेटेड फिल्म है और हाईएस्ट बजट में बनने वाली फिल्म है। तो दोस्तों, देखना यह है कि शान शाहिद की फिल्म जर्रार ज़्यादा बॉक्स ऑफिस क्रेशन कर पाती है या फिर टीच बटन मूवी। तो दोस्तों, इन दोनों को सेम डेट पर ही रिलीज़ किया जा रहा है। तो आप किस मूवी को देखना पसंद करेंगे पहले ये कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इन दोनों ही मूवीज़ में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है ये भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो दोस्तों, इस फिल्म की स्टार कास्टिंग में फिरोज़ खान है, ईमान अली हैं और दोस्तों फरहान सईद हैं। तो दोस्तों, इन तीनों चारों एक्टर में से आपका फेवरेट एक्टर कौन है ये भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हवाले से, तो दोस्तों ये मूवी अपने फर्स्ट डे पर, फिल्म एक्सपर्ट का मानना है कि ये मूवी अपने फर्स्ट डे पर 60 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है पाकिस्तान से, और टोटल वर्ल्ड वाइड ये मूवी 2 से 3 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, ये फिल्म पाकिस्तान की मच अवेटेड फिल्म है, लेकिन ये फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकती, क्योंकि दोस्तों फिल्म का 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है। दोस्तों, हम लाते रहते हैं ऐसे ही मूवीज़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़। तो मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ।